Prakash, welcome to your PDA platform, and let's start your snap for the subject of hydrology, and you are preparing for MPPSC A exam, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So my first question is, what do you understand by FDC, flow duration curve? Yes, sir. FDC, flow duration curve means, sir, सर हाउ मच फ्लो मतलब सर ड्यूरिंग ए रेन कितना फ्लो आ रहा है सर पर्टिकुलर स्ट्रीम पे उसका सर टाइम के साथ कर्व ड्रॉ करते हैं उसको सर तो हाइड्रोग्राफ क्या होता है सर हाइड्रो का सर बेसिकली डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ होता है एट अ पर्टिकुलर सेक्शन तो क्या फर्क हुआ एफडीसी और हाइड्रोग्राफ में सर जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है उसमें ड्यूरेशन को देखा जाता है सर नहीं मतलब क्या कैसे समझा रहे हो आप कह रहे हो ना कि हाइड्रोग्राफ में भी क्या होगा टाइम और डिस्चार्ज के बीच में कर्व होगा फ्लो ड्यूरेशन यस में सर भी तो टाइम और डिस्चार्ज के बीच में बता रहे हो आप सर फ्लो ड्यूरेशन कर्व का सर अभी सब ध्यान में नहीं है ठीक है अच्छा कैचमेंट एरिया क्या होता है सिंपल क्वेश्चन से करते हैं शुरू कैचमेंट एरिया क्या होता है सर कैचमेंट एरिया सर वो एरिया होता है जहाँ सर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम पे जहाँ एक फार्देस्ट पॉइंट से पानी आ रहा है सर जहाँ वो मतलब उसमें रिवर में कंट्रीब्यूट कर रहा है रिवर में आ रहा है सर तो फार्देस्ट पॉइंट को कैचमेंट एरिया बोलोगे नहीं सर सर जो किसी रिवर का है सर जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है सर वो जो पूरा एरिया रहेगा वो वाला सर अच्छा चलो ठीक है एक तरह से ठीक है अच्छा ये बताओ कि फ्लड एस्टिमेशन के लिए एक रैशनल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं यस सर फ्लड का डिस्चार्ज पीक डिस्चार्ज एस्टिमेट करने के लिए क्या होता है वो फॉर्मूला कैसे क्या है उसके अंदर क्या उसके के फॉर्मूला क्या है वो कौन कौन सी क्वांटिटीज या पैरामीटर्स उसके अंदर सर उसमें एक रेनफॉल इंटेंसिटी एरिया है और रन आउट कॉफिशियंट है वो शायद 1/36 है सर 1/36 PCA आप एक कह रहे हो रेनफॉल इंटेंसिटी है एक एरिया है और एक क्या है रन आउट कॉफिशियंट क्या होता है रन ऑफ कॉफिशिएंट सर कुछ सर रन ऑफ कॉफिशियंट या फिर सर 1/36 होता है सर हर बारी फिक्स्ड है 1/36 होगा नहीं सर ये कुछ इम्पीरियस लेयर वगैरह सर अभी एग्जैक्ट सर रिकॉल नहीं कर पा रहा अच्छा ये इंटेंसिटी भी कोई स्पेसिफिक इंटेंसिटी है या कोई भी इंटेंसिटी है रेनफॉल इंटेंसिटी सर मतलब कोई स्पेशल रेनफॉल की इंटेंसिटी है या जो भी रेनफॉल हो रही होगी उसकी इंटेंसिटी होगी सर जो भी रेनफॉल हो रही है सर अच्छा और जो एरिया है वो किस चीज का एरिया है सर एरिया सर कैचमेंट एरिया में सर अच्छा ठीक है चलो अच्छा अच्छा गंगा जो है या यमुना जो है इसमें पूरे साल पानी रहता है पर कावेरी या कृष्णा जो साउथ की रिवर्स है इनमें पूरे साल पानी क्यों नहीं रहता ये पेरिनियल क्यों है गंगा यमुना और वो सीजनल क्यों है यस सर इसका एक रीज़न ये हो सकता है सर जो गंगा रिवर है सर वो अपर वाले रीजन में फ्लो करती है तो सर वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन है मतलब वहाँ पे वाटर टेबल ऊपर है किसके ऊपर है मतलब सर जो 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 साउथ वाला रीजन है वहाँ पे सर जो नदियाँ सूख रही है उसका ये कि वाटर टेबल नीचे मीन्स हायर डेप्थ पे अगर मैं ऐसे कह दूं कि गंगा वाला जो रीजन है वहां पर ग्राउंड वाटर टेबल 10 मीटर पर है और वहां पर 50 मीटर है तो ठीक है मतलब सिर्फ वैसे आप डेप्थ कह रहे हो कि वैसे बात कर रहे हो कोई किसी चीज से ऊपर या किसी चीज से नीचे की बात कर रहे हो या कोई भी ऐसे जनरली लो और हाई की बात कर रहे हो
कोई भी सर, लोड हाई सर, उसकी बात करना सर। नहीं, अगर पानी ग्राउंड वाटर में पानी वो ज्यादा होगा तो उससे रिवर का क्या लेना देना है? सर उसी से सर, ये कि सर वो जो रिवर का पानी नीचे सर इन्फिल्ट होके सर कंट्रीब्यूट करेगा सर। रिवर का पानी इन्फिल्ट्रेट होके कंट्रीब्यूट करेगा, तो अगर ज्यादा ग्राउंड वाटर टेबल ऊंचा हुआ तो क्या नहीं करेगा कंट्रीब्यूट? मतलब मैं ये पूछ अच्छा रहा हूँ कि हाँ कैसे ग्राउंड वाटर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको ये बताना है ना कि कैसे ग्राउंड वाटर के ऊपर होने से या नीचे होने से उसके डिस्चार्ज में फर्क पड़ रहा है, ये बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ रिवर पे कैसे फर्क पड़ रहा है ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर नीचे होने से। सॉरी सर, सर अभी अच्छा, कब की पास आउट हुआ? सर 2020 सर। अच्छा, उसके बाद आपने कोई और जॉब वगैरह कर रहे थे या प्रिपेयर कर रहे हो तब से? अच्छा, नहीं सर, प्रिपेयर ही कर रहा था सर अभी, और सर अभी मेरा एमटेक चल रहा है सर। कहाँ से कर रहे हो आप? सर NIT सूरत से कौन सी फील्ड में करते हो? सर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग। ओके गुड। अच्छा, डबल मास कर्व क्या होता है हाइड्रोलॉजी में बता सकते हो? सर डबल मास कर सर रेनफॉल की कंसिस्टेंसी के लिए हम ब्रो करते हैं, और ये सर होता है अपना क्यूम्युलेटिव वर्सेस टाइम के बीच। क्यूमुलेटिव वर्सेस टाइम के बीच में, ये कह रहे हो काश? क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में? सर इसमें क्यूम्युलेटिव रेनफॉल वर्सेस सर अभी सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा सर उसका। डिपार्टमेंट क्या है जिसके लिए अप्लाई किया है MPPSC में? PWD या कुछ और? सर डिपार्टमेंट PWD, RES, WRD और PHE, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं सब कुछ सारे ही है। डिपार्टमेंट सर। यस सर। ओके ओके, मतलब कंबाइंड होती है आपके स्टेट में। ओके, तो फिर तो मतलब यस किसी यस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे लगा शायद आप PWD वगैरह के लिए कर रहे हैं। ओके अच्छा, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है? चलो इजी उससे करते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है? हाँ, बाहर जा रहे क्या? हेलो जी, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है? आ रही मेरी आवाज? आ रही? यस सर। सर यूनिट हाइड्रोग्राफ सर होता है जिसका ड्यूरेशन 1 आवर है, और जिसका सर डेप्थ यूनिट है 1 सेंटीमीटर 1 mm है, और उसी को सर बोलते हैं। ड्यूरेशन भी 1 आवर है और डेप्थ भी 1 सेंटीमीटर है, ये कह रहे हो? सर ये सर सर डेप्थ 1 सेंटीमीटर है उसको कह रहा हूँ हाँ, सर। ड्यूरेशन नहीं। नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो अजम्पशन लगते हैं कुछ यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने के लिए, को 2-3 अजम्पशन बहुत फेमस हैं। एक बार सवाल आता है, क्या अजम्पशन है वो? सर यूनिट हाइड्रोग्राफ सर वैलिड होता है लेस देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर, और जो उसका होता है सर टाइम इनवेरियंस और लीनियर। लीनियर क्या? सर उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होती है, तो लीनियर रिस्पांस है पूरा वर्ड। लीनियर रिस्पॉन्स। यस सर। टाइम इनवेरियंस का क्या मतलब है? टाइम टाइम इनवेरियंस और लीनियर सर। इस पे टाइम इनवेरियंस मतलब सर ड्यूरेशन, जैसे 1 आवर 2 आवर, अब उसमें डे नहीं है सर, डे कंसिडर नहीं करेंगे सर, कोई कौन सा डे है और कौन सा अच्छा मंथ है। यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं बोलूं अगर मेरी वाटर बॉडी में जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं, लाइक एरिया मेजरमेंट और ये सब, तो उसमें एक वर्ड आता है स्टेज। एक रिवर की स्टेज क्या होती है? स्टेज ऑफ रिवर क्या मतलब इस बात से? सर स्टेज, सॉरी सर ध्यान में नहीं सर। अच्छा चलो ये बताओ कि अगर मुझे 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ को 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूँ?
सर 4 आर हाइड्रो का आपको 2 आर में करने के लिए सर हम एस कर्व मेथड यूज करेंगे सर। अच्छा, और कोई मेथड भी होता है जिससे कन्वर्ट हो जाते हैं एक टाइम का हाइड्रोग्राफ दूसरे टाइम के हाइड्रोग्राफ में? सर जो फर्स्ट मेथड होती है सर वो सुपर पोजिशन होती है, 2 ओवर को 4 ओवर में करना है तो 2 ओवर से लेग कर दो और तो फिर जो भी मेथड आती ये है वाला जो है 4 आवर को 2 आवर से मैं सुपरपोजिशन से नहीं कर सकता हूँ? सर नहीं कर सकते उससे सर। अच्छा, एस कर्व से करना पड़ेगा। एस यस कर्व सर। क्या होता है? सर एस कर्व में सर अलग अलग उसका उस सर अभी एग्जैक्ट बता पाना सर अभी ध्यान में नहीं आ। अच्छा, चल छोड़ो। प्रेसिपिटेशन क्या चीज होती है? सर प्रेसिपिटेशन सर फॉर्म्स ऑफ वाटर जो अर्थ एटमॉस्फेयर से अर्थ तक आती है वो रेनफॉल हो सकता है सर, अपना ड्रीजल हो सकता है और हेल हो सकता है ड्यू। ओके, गुड। क्या फर्क है वैसे ड्रिजल और रेनफॉल में? सर जो रेनफॉल का जो साइज होता है सर वो 0.5 से 6 mm का होता है उसके बीच होता है और ड्रीजल होता है उसका लेस देन 0.5 होता है और उसकी इंटेंसिटी 1 mm पर आवर होती है, लेस देन 1 mm पर आवर। अच्छा, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है? और सर ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन जो अकर होती है वो सर ड्यू टू माउंटेन बैरियर से होती है। ओके, गुड। अच्छा, अगर मुझे इवापोट्रांसपिरेशन को मेजर करना हो एक्चुअली में, तो क्या इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? एवेपो ट्रांसमिशन सर लिस्मीटर यूज करते हैं उसके लिए और इवेपोरेशन के लिए सर मेनली पैन, जो इवेपोरेशन पैन होती है उससे उसका पैन कॉफिशिएंट रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं इनफिल्ट्रेशन को किससे मेजर करते हैं? सर। इन्फिल्ट्रेशन को सर इन्फिल्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं। ओके आकाश, लेट मी गिव यू फीडबैक। आकाश, जहाँ तक मुझे लगता है कि तैयारी तो वैसे आपने करी है हाइड्रोलॉजी की, लेकिन ऐसा है कि रिवीजन बहुत दिनों से नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस सर थोड़ा सा अभी एक बार आप, हाँ, एक बार दोबारा उसको वो करें। कब है आपका इंटरव्यू? कब है आपका? सर मार्च मार्च एंडिंग था सर अभी डेट नहीं चलो, आई सर। काफी टाइम है वैसे, अभी 1-1.5 महीना है, तो बहुत समय आपके पास पढ़ने के लिए। एक बार मुझे ऐसा यस लगता है दोबारा से आपको इस सब्जेक्ट को एक बार पढ़ना चाहिए, बिकॉज जो लाइक FMC, FD क्या है, FDC क्या फ्लो है, ड्यूरेशन और हाँ या फ्लोटेशन कर्व का जो था मैं पूछा, डबल मास कर्व क्या है या एस कर्व क्या है, तो ये सब जो है डेफिनेशंस याद नहीं है आपको कि मतलब यस क्या सर यस चीजें हैं बेसिक, तो वो थोड़ा सा एक बार देख लो। बाकी जो प्रेसिपिटेशन वाला अच्छा बताया, फिर जो मैंने इंस्ट्रूमेंट पूछे थे वो भी ठीक बता दिए। स्टेज जो होती है वो वाटर लेवल को बोलते हैं, जो वाटर लेवल होता है रिवर में, उस वो वाटर लेवल कितना है वो उसकी स्टेज होती है। अच्छा। और सर वो गंगा वाला सर जो हाँ, उसका गंगा कर वाला, वो मैं उसका आंसर ठीक है कि बिकॉज वो ग्राउंड वाटर टेबल उसका ऊपर है और उसका नीचे है, लेकिन किससे ऊपर है? स्ट्रीम के बेड से ऊपर है, रिवर के बेड से ऊपर है। इस करके क्या होगा कि ग्राउंड वाटर का पानी रिवर में आ जाएगा, अच्छा यस तो सर इस यस करके सर वो बेस फ्लो की कॉन्फिगरेशन होगी। जो हम हाइड्रोल उसमें हाइड जब बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, उसमें बेस फ्लो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, कॉन्स्टेंट रहता है, सर जो वो यही यस सर होता है कि ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब ग्राउंड वाटर टेबल अगर उसके बेड के लेवल से नीचे, उसका जो बॉटम है उससे ऊपर होगा और वो उसको कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तभी तो वो सूखेगा भी नहीं, कभी भी रिवर कभी तो सूखेगा ही नहीं। हाँ वो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर वो उससे नीचे होगा तो वो सूख जाएगी। हाँ हाँ सर क्लियर हो गया सर। या तो ये था। इसके अलावा ठीक है, रैशनल फॉर्मूला भी ठीक था। देखो, रन ऑफ कॉफिशियंट 1/36 नहीं है, रन ऑफ कॉफिशियंट रेशियो है रन ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल प्रेसिपिटेशन वॉल्यूम की। तो ये डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट होगा। जैसे मान लो कोई इम्परवियस सरफेस है, मान लो कोई कॉन्क्रीट का सरफेस है, उसमें जितनी बारिश गिरेगी वो सारी रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें इन्फिल्ट्रेशन कुछ खास नहीं होगी, तो उसमें जो रन ऑफ कॉफिशियंट होगा वो बहुत हाई होगा। ऑन दी अदर हैंड, आपके पास मान लो कोई अर्दन सरफेस है, तो उसमें बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, हाँ तो आपका रन ऑफ जो है कंपैरेटिवली कम होगा उस केस में। तो रन ऑफ कॉफिशियंट सरफेस पर डिपेंड करता है कि आंगन है तो उसका क्या होगा, रोड है तो उसका कुछ और होगा, छत है तो उसका कुछ और होगा, दैट इज वो उस रन ऑफ कॉफिशियंट वो चीज है। और हम एक एवरेज निकालते हैं फिर पूरे एरिया का, सब प्लस ऐड करके सिर्फ एक एवरेज निकाला जाता है जब हमें करना हो।
इसके अलावा ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एस-कर्व का भी बता दिया था, और क्या चीज मैंने जो पूछी थी, हाँ डबल मास कर्व, जो आपने जो डेफिनेशन बताई वो सर मास कर्व, क्यूमुलेटिव। हाँ वो मास कर्व की डेफिनेशन है रेनफॉल का जो है ना, कि डेप्थ विद टाइम, वो मास कर्व होता है। डबल मास कर्व वो नहीं होता, डबल मास कर्व एक कर्व होती है जिसमें आप कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए वो करते हो। तो आपका जो रेनफॉल हुआ है, जिस रेन गेज जिस पे आपको डाउट है कि यहाँ पे इस स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस स्टेशन में जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल आई है ओवर द इयर्स, उसका एडिशन करोगे इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो लिखी जाएगी। दूसरी साइड जो उसके नियर बाई स्टेशन है उनका जो होगा क्यूमुलेटिव एनुअल रेनफॉल इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो एक तरफ वो आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एक राइजिंग ग्राफ बनेगा वो है डबल मास कर्व। अच्छा ये और सर अगर इस, क्यूमुलेटिव कुछ। हाँ सर क्लियर हाँ, हो इसका गया सर। स्लोप अगर चेंज होगा तो मतलब तुम्हारा कंसिस्टेंट नहीं है डेटा, स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए इस कर्व का। अगर स्लोप चेंज होता है 5 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए, तो मतलब कि तुम्हारा कंसिस्टेंसी नहीं है वहां पर, तो फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है। रेनफॉल का ओके पैटर्न सर। चेंज हो गया है। बाकी देख लेना, मैंने बहुत डिफिकल्ट सवाल आज कुछ नहीं पूछे हैं, ये सब यस सर बेसिक बेसिक ही मैंने यस पूछा है। सर यस सर तो मिल जाएगा बुक में, एक बार दोबारा से देख लोगे तो और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो, और बस मेरा ये एडवाइस रहेगा कि एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। मुझे ऐसे लग रहा था कि आज बिना पढ़े आपने सांप दिया है। ठीक है, इसलिए सर मैंने कोई नहीं, हार्डवेयर चूज आप किया। कोई नहीं, दोबारा कभी प्रिपेयर करके भी दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ओके सर। थोड़ा सा एक बार सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट बेसिक ही है, बट जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। हाइड्रोग्राफ क्या है ये सब पता होना चाहिए। ओके सर। चलो, ओके, थैंक ऑल द यू सर। बेस्ट। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू।